नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मंच के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय महासचिव संगठन के डॉक्टर दिनेश जिंदल एवं राष्ट्रीय संयोजक कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ प्रदेश प्रभारी श्री अशोक गर्ग जी की अनुशंसा पर जिला वलसाड़ गुजरात निवासी उज्जवल भारत न्यूज चैनल की निर्देशक एवं प्रमुख समाज सेवी सुश्री सीमा एस भट्टाचार्य जी को राष्ट्रवाद एवं समाजवाद को समर्पित सांस्कृतिक राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रवादी सर्व समाज विकास मंच के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं गुजरात प्रदेश के महिला कल्याण प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के पद पर मनोनीत नियुक्त किया गया है। सुश्री सीमा एस भट्टाचार्य जी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी व प्रदेश संयोजक महिला कल्याण प्रकोष्ठ राष्ट्रवादी सर्व समाज विकास मंच गुजरात प्रदेश को मंच के समस्त सदस्यों की ओर से उनकी नियुक्ति मनोनयन पर हार्दिक बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए अनंत मंगल कामनाएं प्रदान करता है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे मंच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। समझ में आई गया होगा स्लोगन सुनते ही कि ये स्लोगन किस मंच के द्वारा कहा गया है। ये स्लोगन है राष्ट्रवादी सर्व समाज विकास मंच। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रवादी सर्व समाज विकास मंच यानी RSSVM की। राष्ट्रहित वोपरि RSSVM का तो सबसे मुख्य कार्य है वो है सबसे पहले देश यानी राष्ट्र, राष्ट्र के हित में सबसे प्रथम। आइए बात करते हैं इस मंच में आज कुछ नए लोग जुड़े हैं। ये कौन लोग हैं? आइए बात करते हैं इस मंच के बारे में। इस मंच के जो फाउंडर है वो है डॉक्टर जितेंद्र कौशिक जी, फाउंडर ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट भी है राष्ट्रवादी सर्व समाज विकास मंच के डॉक्टर जितेंद्र कौशिक, जिन्होंने इस मंच की नींव रखी थी। मंच में जो जुड़े हुए व्यक्ति है वे है संरक्षण माननीय श्री प्रेम जी गोयल, वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रचारक RSS के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के डॉक्टर जितेंद्र कौशिक जी, पूर्व सैनिक वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश गर्ग जो दिल्ली से हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद गौर रक्षा विभाग के, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर नवनीत परमार जी हरिद्वार से, सहायक मुख्याधिष्ठा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के डॉक्टर दिनेश जिंदल जी कुरुक्षेत्र प्रांत प्रमुख सहकार भारती से, राष्ट्र संयोजक कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ एवं प्रदेश प्रभारी श्री अशोक गर्ग जी श्री गंगानगर राजस्थान से, डॉक्टर गणेश देवनाथ जी सिलीगुड़ी से, श्री सुब्रमण्यम राजेश खन्ना जी ऊटी तमिलनाडु से, श्री शिवा चेनम राज जी आंध्र प्रदेश से, श्री महेश कटारे जी ग्वालियर से, श्री धर्मेंद्र वशिष्ठ जी, डॉक्टर सीता डॉक्टर अतिसागर चांदना जी बेंगलोर से, श्री अभिषेक गुप्ता जी कोलकाता से, श्री गोविंद राजू मुन्नी स्वामी चेन्नई से। RSSVM यानी राष्ट्रवादी सर्व समाज विकास मंच, ये एक ऐसा मंच है जिसमें सेवा, संगठन और प्रगति तीनों का भरपूर ख्याल रखा जाता है और राष्ट्र हित सर्वोपरि, सबसे पहले देश, सबसे पहले हमारा राष्ट्र, उसी के हित के लिए इस मंच के द्वारा हर सभ्य हर नागरिक इस मंच में आते हैं, इस मंच का हिस्सा बनते हैं और इस मंच के द्वारा जितना हो सके उतना राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित के लिए कार्य करते हैं। ये मंच एक खुले आसमान की तरह है, एक ऐसा आसमान जहाँ पे राष्ट्र हित के लिए जितनी हो सके उतनी आप उड़ान भर सकते हो। राष्ट्र के हित में वो उड़ान अवश्य होनी चाहिए। ये एक ऐसा जमीन है, एक ऐसी मिट्टी है जिस मंच में आप खड़े हो, उस मंच में उस मिट्टी को आप प्रणाम करते हो। देश की मिट्टी को आंच नहीं आने दे सकते। इस मंच के द्वारा जब भी किसी व्यक्ति ने कार्य किया है हमेशा देश के हित में ही कार्य किया है। ये मंच देश के हित के बारे में 24 घंटे हर पल सोचता रहता है और कार्य आगे बढ़ाता जा रहा है। इस मंच का जो मेन हेतु वही है, सेवा, संगठन, प्रगति। प्रदेश स्तर पर संयोजक है एक, उपाध्यक्ष कुल 4, महासचिव 2, सचिव 7, सदस्य 11, जिला स्तर पर संयोजक 1, उपाध्यक्ष 2, महासचिव 1, सचिव 5 और सदस्य कुल 11। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलो, गौतम बुद्ध जी ने कहा है और यही मंत्र राष्ट्रवादी सर्व समाज विकास मंच का भी है। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे विभाग में हो,
समाज में हो या संस्थानों में हो, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है। अगर आप किसी के डर से अपने विचार लिख या बोल नहीं पा रहे हैं, यकीन मानिए इसका मतलब यही है, आजाद भारत के हम अब भी गुलाम नागरिक है। जिस दिन से मीडिया चैनल यानी टीवी के समाचार चैनलों पर हमारी लड़ाई भूखमरी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अशिक्षा पर होगी, देश सही में उस दिन आजाद हो जाएगा, देश बदल जाएगा, बदलेगा हिंदुस्तान। अभी तो देश सुरक्षित रहेगा। बदलाव या परिवर्तन अगर नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। परिवर्तन बेहद जरूरी है। यहाँ पे हर धर्म, हर जाति को, हर व्यक्ति को यहाँ पर मौका दिया जाता है कि सबसे पहले हम एक इंसान हैं, उसके बाद हम एक भारतीय है। तो यहाँ पे उन लोगों का सम्मान होता है जो अपने आप को एक भारतीय समझते हैं, एक इंसान समझते हैं। भारतीय होने में जो गर्व है, देश के हित में काम करने में जो गर्व है, वो और किसी कार्य में नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस मंच का नाम है राष्ट्रवादी सर्व समाज विकास मंच, यानी राष्ट्र के हित में हर समाज को साथ लेकर, हर समाज के विकास को सोचकर इस मंच को खड़ा किया गया है। मंच के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय महासचिव संगठन डॉक्टर दिनेश जिंदल जी एवं राष्ट्रीय संयोजक कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ व प्रदेश प्रभारी श्री अशोक गर्ग जी की अनुशंसा पर जिला अमृतसर पंजाब निवासी एवं प्रमुख समाज सेवी सुश्री मीनू शर्मा जी को राष्ट्रवाद एवं समाजवाद को समर्पित सांस्कृतिक राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रवादी सर्व समाज विकास मंच के पंजाब प्रदेश के शिक्षा कल्याण प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक के पद पर मनोनीत यानी नियुक्त किया गया है। सुश्री मीनू शर्मा जी प्रदेश सह संयोजक शिक्षा कल्याण प्रकोष्ठ राष्ट्रवादी सर्व समाज विकास मंच पंजाब प्रदेश को मंच के समस्त सदस्यों की ओर से उनकी नियुक्ति यानी मनोनयन पर हार्दिक बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए अनंत मंगल कामनाएं।